इस पे कोई ऑपोजिशन वाला कह देगा कुत्तों की आबादी बढ़ने में मुर्तजा आपका किरदार है। हम लोग इस तरह मनफी बातें करते हैं। देखें इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि वो कलिंग जो होती है कुत्तों को मार दिया जाता है वो टैबलेट देके, वो गलत चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए। और बल्दिया उज़्मा कराची हो या सिंध हुकूमत हो, वो ये काम नहीं कर रही, हम नहीं करना चाहते। दूसरा तरीका ये है कि इनकी आप न्यूट्रिंग करके इनकी पॉपुलेशन को रोकें। उसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमने, उसमें कुछ बजट का मसला था, उसके अंदर पीडी की अपॉइंटमेंट का मसला था, वो पिछले दिनों हल हो गया है। अब उनके क्लिनिक्स को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। कराची शहर में पहले फेज में 4 क्लिनिक्स को स्टैब्लिश किया जा रहा है, 2 फंक्शनल हो गए, एक औरंगी वाला जो है वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जुमे हफ्ते को जाके उसको भी हम बाज़ाब्ता तौर पर इनॉग्रेट कर देंगे, लेकिन काम उसने भी शुरू कर दिया। और चौथा एक और, उसकी लोकेशन मुझे याद नहीं आ रही, वहाँ पर हो रहा है। इन्हीं अस्पतालों में हम रेबीज़ की जो वैक्सीन है ना, उसका भी मैंने ऑर्डर कर दिया है कि हमारे KMC के अपने अस्पतालों में जहाँ पे ये आम लोग आते हैं ना, उनको ये मुश्किल ना हो कि उनके पास वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह वो भी हम वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे अस्पतालों में मौजूद हो। ऑर्डर प्लेस कर दिया हमने ताकि लोगों को ये भी रिलीफ मिल सके। जो तीसरी बात आपने इंडस हॉस्पिटल के हवाले से की, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ वो लोग बड़े इंटरेस्टेड थे इस काम करने में। वो जो डॉक्टर साहिबा हैं, नसीम सलाउद्दीन साहिबा, वो बड़ी पैशनेटली इस चीज़ को देख रही हैं और मैं इसको फॉलोअप करूँगा। अगर इसके अंदर कोई बॉटलनेक है, कोई इशू है, तो उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। जो चौथी बात आपने की सब मेरे इंटरेस्ट की, लॉ डिपार्टमेंट की, यार लॉ डिपार्टमेंट तो वफाकी हुकूमत के पास भी है, लॉ डिपार्टमेंट तो सिंध हुकूमत के पास भी है, लॉ डिपार्टमेंट तो सबके पास है, लेकिन अदालती स्टे ऑर्डर तो वैसे भी आ जाते हैं। अदालती स्टे ऑर्डर का लॉ डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अदालती स्टे ऑर्डर तो जज साहब की मर्जी है, वो ऑर्डर फरमा देते हैं। मतलब अगर 1999 से आज 2024 में बोल्टन मार्केट का केस चल रहा है, तो आप मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ? मैं गलत हूँ अगर, तो केस डिसमिस कर दें, मतलब फैसला कर दें हमारे खिलाफ, हम फैसले को चैलेंज कर लें जाके। मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा है, मैं ये भी नहीं कहता अपील में ज़ेरे अल्तवा है। उसका जो सूट है ना, जो पहला स्टेज है, 1999 में केस फाइल हुआ। यहाँ शायद कुछ लोग ऐसे होंगे शायद 1999 पैदा नहीं हुए होंगे, 25 साल हो गए केस चल रहे हैं। आप मुझे बताएं हम कहाँ जाएं? ये एक प्रॉब्लम है हमारे मुल्क की निज़ाम का कि आज अगर इन्वेस्टमेंट आते हुए कतरा रही है ना इस मुल्क में, उसमें कहीं ना कहीं हमारे गलत फैसले शामिल हैं कि हम कभी गलत फैसले करते हैं, कभी इस तरह के अदालती स्टे ऑर्डर आ जाते हैं। ये जो SIFC बार बार फैसले कर रही है, वो निज़ाम को ठीक करने की बात कर रही है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमें पाकिस्तान को सही राह पर गामजन करना है, तो ये फैसला करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव काम करना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी, यानी कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, मकामी हुकूमत हो, कानून साजी करना असेंबली की काउंसिल का इख्तियार है। वफाकी असेंबली करे, सूबाई असेंबली करे, या लोकल काउंसिल करे। और अगर डिस्प्यूट है, यार कोई मर्डर का वाकया होता है, कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, मियां बीवी की तलाक का मामला है, बच्चों की कस्टडी का मामला है, लोगों की जायदाद की रेंट केसेस हैं, ये फैसले अदालत के अंदर आने चाहिए। अगर रोज़ ऑपोजिशन की कोई जमात या कोई माफिया से मुंसलिक आदमी अदालत चले जाएगा और अदालत से यक तरफा तौर पर एक्स पार्टे स्टे ऑर्डर ले आएगा, एक्स पार्टे स्टे ऑर्डर का आसान अल्फाज में होता है कि हमें सुने बगैर वो फैसला आ जाएगा पहली डेट पर, तो आप मुझे बताइए हम काम कैसे करेंगे? और ये बुनियादी मसला है हमारे रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हुकूमत को, लेजिस्लेचर को और हमारे जजेस को साथ बैठ कर इस पॉलिसी को आसान करने की ज़रूरत है ताकि हम इन मामलों को ठीक कर सकें। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा मैं गलत काम करूँ, मुझे अदालत में ले जाएं, अदालत मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, इदारे मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, लेकिन पहला हक तो मेरी काउंसिल का है ना कि वो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, कि मेरी काउंसिल मुझे पूछे कि यार आपने गलत काम किया है। अगर नईमुर्रहमान साहब को मेरे टैक्स से किसी मुसव्वदे से इख्तलाफ है, वो काउंसिल में उस इशू को रेज कर लें। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा, ये एक ऑपोजिशन की जमात हुकूमत की पॉलिसी को यकतरफा तौर पर रोक ले? क्यों? क्योंकि वो उसको अग्री नहीं करती। तो यानी कि इसका मतलब ये हो कि आज पीपल्स पार्टी है तो जमात वाले ये करेंगे, कल जमात आ जाएगी पीपल्स पार्टी ये करेगी, परसों MQM आ जाएगी, PTI आ जाएगी, तो जमात वाले फिर ये करेंगे। तो इस तरह तो मामला हल नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें सर जोड़ कर बैठ कर इन मामला को हल करने की ज़रूरत है। ये बताइएगा कि जैसे जैसे गर्मी आ रही है, पानी की शॉर्टेज एक बार फिर दोबारा होती जा रही है। अच्छा, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कई एरिए ऐसे जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इलेक्शन से पहले उन्होंने बड़े दावे किए थे, बल्कि वादे किए थे,
अब वहाँ के लोग आपके मुंतजर है कि पानी का कोई सिलसिला करे, उस पर क्या करते हैं? मैं उनके जो इंतज़ार है वो जायज़ है, जिसका पानी का मसला है वो जेन्युइन है, बट अगेन उन मसाइल को हल करने के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है, काम करने की ज़रूरत होती है। जो सारी बातें मैंने पहले की हैं मैं उनको रिइटरेट करता हूँ कि अगर मुझे लेट से हब कनाल से पानी लेकर आना है कराची शहर के अंदर, तो उस नई कनाल का जो मंसूबा है वो 18-20 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, राइट? अब वो 18-20 अरब रुपए या तो मैं अपने टैक्सेशन के निज़ाम को ऐसे चलाऊं कि मैं वो 18-20 अरब रुपए इकट्ठा कर सकूं, या मुझे कर्ज़ा लेना पड़ेगा, या मुझे वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत से बात करनी पड़ेगी इस हवाले से। तो अगेन इन तमाम चीज़ों का दारोमदार ये है, हमारे यहाँ कुछ अपोजिशन के लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर करके, तनकीद कर करके लोगों के अंदर इतनी मायूसी डाल दी है कि लोग कहते हैं कि पहले तुम काम करो फिर हम टैक्स देंगे। दुनिया भर में टैक्स पे किया जाता है और उस टैक्स के पैसे को ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ खर्च किया जाता है ताकि लोगों की खिदमत हो सके। ये कैसे हो सकता है कि पैसे मेरे पास ना आए, पहले मैं काम कर दूँ और उसके बाद मैं उसकी रिकवरी करूँ? तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुझे अपने किरदार को ठीक करने की ज़रूरत है, यानी कि मैं इंट्रोस्पेक्शन करूँ और जो बाकी लोग हैं वो भी अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें। बाकी पानी के मसाइल के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम काम करें, मैं गाहे बगाहे बात करता रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट की मदद से उन कामों को हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस टेन्योर में उन कामों को स्टार्ट भी करेंगे, उन कामों को इंशाल्लाह ख़त्म करके देंगे। चौदह अस्पताल हैं। अब ये देखें ना, मेरे आने से ये तो फ़ायदा हुआ आपको, कम से कम ये पता चल गया 14 अस्पताल हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये 14 तो वो है जिनकी इमारत मुकम्मल है, बहुत सारे ऐसे अस्पताल बना दिए गए थे माजी के लोगों ने जिसका ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, बजट नहीं है क्योंकि वो कभी ऑपरेशनलाइज ही नहीं हुआ ना। असल में ठेका देने में तो मज़ा आता है, असल प्रॉब्लम ये है ना। तो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो मेरा चेयरमैन बार बार कहते हैं, दैट इज द वे फॉरवर्ड। अच्छा अमियर साहब, ये बताएं अद्वियात की शॉर्टेज है, बाबासी शरीफ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिरिंजेस तक, कैनोला तक नहीं है, अद्वियात पे क्या कहेंगे? तमाम मरीजों से बाहर से मंगवाई जाती है, अगर इमरजेंसी में केस आता है तो उसको पहले पर्ची पकड़वा दी जाती है, जहाँ खड़े रखेंगे कि शहीद यहाँ का, इसका भी यही हाल है, सुबराज का भी यही है कि सुबराज में अगर डिलीवरी होती है तो एनेस्थीजिया का डॉक्टर बाहर से आता है, एनेस्थीजिया दे के चला जाता है, उसके बाद वहाँ ये क्या कहेंगे, इसमें क्या कहेंगे? चले इससे मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए दवाई जो है ना वो कम कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए, वो क्वालिटी पर मिलनी चाहिए। ये जो हमारा प्रोक्योरमेंट का निज़ाम है इसमें भी नुकसान है कि मुझे मिसाल के तौर पे पैनाडोल लेनी है, उसकी जब बिडिंग होगी ना तो कोई बंदा उसके लिए 10 रुपये कोट करेगा, कोई 8 रुपये कोट करेगा, कोई 7 रुपये कोट करेगा। अगर मैं 7 रुपये वाले से ले लूँगा क्योंकि कानून ये कहता है मुझे लोएस्ट बिड पे जाना है, प्रॉब्लम ये होगी क्या पता 7 रुपये पे क्वालिटी उसकी वो ना हो। तो इस पे ना हमें प्राइस से ज़्यादा क्वालिटी को देखने की ज़रूरत है। अब्बासी शहीद अस्पताल का अद्वियात की जो रिक्वायरमेंट है ना सालाना, वो 18 करोड़ रुपये की एक मुझे फिगर बताया गया है। मैं चार्ज करता हूँ 20 रुपये। किसी प्राइवेट अस्पताल में आप चले जाएँ, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल जो ना KMC की ज़मीन पर है, 67 एकड़, ये मैं आज आपको दिल खोल के, कभी कभार मुझे दुख होता है जो हम जो हाल हुआ है, वो प्राइवेट अस्पताल के तौर पर चल रहा है, वहाँ पे प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चल रही है जो कि लाखों रुपए लोगों से लेती है, लाखों रुपए वो डिलीवरी पे भी चार्ज करते हैं, ट्रीटमेंट में भी चार्ज करते हैं। ज़मीन KMC की है, 67 एकड़, 66 एकड़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे आज मैं 20 रुपए को अगर 25 रुपए कर दूँ ना तो मुझे कह दिया जाएगा मुर्तज़ा बाब यजीद है। तो कहीं ना कहीं ये सेंसेशनलिज्म से हमें बाहर निकलना होगा ताकि हम क्वालिटी ओरिएंटेड काम कर सकें, चीज़ों को ठीक कर सकें। और मैं बार बार एम्फेसाइज ये कर रहा हूँ, देखिए बड़ी छोटी सी चीज़ की ना, अगर डाओ के अंदर पॉलिशिंग स्केलिंग 4000 रुपये की हो रही है और उसको मैं 200 रुपये पे कर रहा हूँ, चीज़ों को चलाने के लिए मुझे अपना रेवेन्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, जो कि मेरा अस्पतालों से आमदनी नहीं होती, तो या तो मैं अस्पतालों में अपने रेट को बढ़ाऊँ या अपने टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करूँ। रेट भी बढ़ाने नहीं देते और जब टैक्सेशन के निज़ाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर भी लोग रुकावटें क्रिएट करते हैं। क्या, सॉरी, क्या
एनेस्थेटिस्ट ओवरऑल हमारे यहाँ कम है इस वक्त पब्लिक सेक्टर में, ये एक दिक्कत आ रही है, इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट इज़ वेल टेकन, बट सोबराज को हम सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से एक बहुत अच्छी फैसिलिटी में इंशाल्लाह कन्वर्ट करने वाले हैं। उसको जिस ज़माने में मैं काबीना में था, बजट से अप्रूव करवाया था, उसके पैसे मुख्तस कर दिए गए थे, नई हुकूमत आ गई है, इंशाल्लाह हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से मैं बात करूंगा और मामले को हम आगे लेकर चलेंगे। अच्छा मुर्तजा भाई, ये बताइएगा, आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, कल एनजीओ क्लास की मीटिंग की, अल्लाह ताला हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को अच्छी सेहत अता फरमाए। मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ उनकी तकलीफ़ के हवाले से, लेकिन अच्छी खबर ये जो मैंने ट्विटर पे देखा कि वो माशाल्लाह एंजियोग्राफी के लिए गए थे, फिर एंजियोप्लास्टी फौरी तौर पर कर दी गई और मेरे ख्याल में आइंदा चंद रोज़ में वो सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। मैंने कल फ़ोन किया था उनको कि उनसे बात कर सकूं और अगर जा सका तो उनके पास हाज़िर भी हो जाऊं, लेकिन उनका फ़ोन जो है वो उठाया नहीं, वो कॉलिंग पर गया, इसलिए मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह अस्पताल में रश ज़्यादा होगा, अस्पताल शिफ्ट हो जाए, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है कि मैं उनके घर हाज़िर हूँगा, उनको फूल भी दूँगा, उनको शुगर फ्री कोई मिठाई विठाई भी दूँगा, कोई ट्रेडमिल भी उनको दूँगा कि आए यहाँ थोड़ी वॉक शॉक करें, बल्कि मैं उनको कहूँगा साथ बैठ के KMC की बिल्डिंग के अतराफ में वॉक करते हैं ताकि उनकी सेहत भी अच्छी रहे, मेरी सेहत भी अच्छी रहे, चले कुछ सेल्फी भी ले लेंगे, टिकटॉक करेंगे उनके साथ। नहीं, केएमसी बिल्डिंग के गिरने अभी मेयर ऑफिस के गिर तो चुके हैं, फिर पोस्टर जो है ना दो आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे पोस्टर। नहीं, पोस्टर पे मेरी उनकी डील होनी पड़ेगी कि ये डील बनानी के है। के जो है ना पोस्टरों को बड़ा छोड़ दो, असेंबली में आपकी अक्सरियत है, सो मोटो एक्शन पर तो हम मिलकर कानून साथी कर लेते हैं, ये आवाम का बुनियादी मसला है, क्या इसमें कोई कानून साथी नहीं हो सकती? किसके ऊपर? ये स्टे ऑर्डर पर जो पार्टी होता है, देखें इसके ऊपर एक तो ये सूबाई सब्जेक्ट नहीं है, ये वफाकी सब्जेक्ट है और वफाकी सब्जेक्ट पे मैं समझता हूँ कि देखें अदालतें काबिल एहतराम हैं, जजेस काबिल एहतराम हैं, हमें सनसनी नहीं क्रिएट करनी चाहिए, हमें एक ज़ीरक कौम के तौर पर, बाशऊर कौम के तौर पर जो भी हमारे पॉलिसी साज लोग हैं वो साथ बैठें और इस मामले को एड्रेस करें, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं कन्विंस्ड हूँ कि अगर इस तरीके से एक्स पार्टे ऑर्डर्स आएंगे, स्पेशली रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर आएंगे, तो बड़ी तकलीफ़ होगी। मैं किसी दिन आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, किसी दिन गपशप रखते हैं आपके साथ, मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ कि किस तरीके से इन माफियाज ने इस्तेहसाल किया है, कभी सियासतदानों को इस्तेमाल करके, कभी ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल करके, कभी अदालतों के ज़रिए इस तरह के ऑर्डर्स लेके, बहुत ज़्यादती शहर के साथ हुई है। और अगर हम चाहते हैं कि हम उस ज़्यादती से बाहर निकलें और मामलात को हल करें, तो हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। ये मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल नहीं होना, ये मामला यकतरफा तौर पर पॉलिसी बनाकर भी नहीं होना, ये मामला तभी हल होगा जब सब मिलकर सर जोड़कर बैठेंगे और कहेंगे ये दिक्कत आ रही है हमको, ये परेशानी है हमको, इस परेशानी को हल करने के लिए हम सब लोगों को अपना किरदार अदा करना है। मैं बहैसियत एक छोटे से अदना से कानून के तालिब इल्म के, बहैसियत मेयर कराची के, जो भी अपना किरदार अदा कर सकता हूँ उस मामले में, मैं करने को तैयार हूँ। मैं समझता हूँ ये मामले हल होंगे तो इस शहर की, सूबे की, इस मुल्क की बेहतर खिदमत हो पाएगी, अदरवाइज़ मैं समझता हूँ बड़ी तकालीफ हैं, दिक्कतें हैं और ईमानदारी के साथ ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। बहुत शुक्रिया।